मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। सीक्वेंस कुछ ऐसा है, कैलकुलस किया, कैलकुलस के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस की ये चैप्टर उसमें डील करता है। तो यानी कि इसका पेयर किससे बनेगा, कैलकुलस के साथ बनेगा। एक, जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलस नहीं आता, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, बस आज का आखिरी लेक्चर है, उनका काम चलेगा, उनका काम मंडे से नहीं चलेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी भी हालत में तो अगले दो दिन में ख़त्म करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने नया ज्वाइन किया, ठीक है, ये करके करनी ही पड़ेगी, फंस जाओगे इसमें। नंबर टू, इसके बाद जो चैप्टर है वो है मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन। पहले वन सीखेंगे, फिर टू डी और थ्री डी सीखेंगे, पहले वन डी, फिर टू डी, फिर थ्री डी। वन डी सीखने के बाद हमें सीखना पड़ता है एक एलजेब्रा, टू डी थ्री डी आता नहीं ऐसे, उस एलजेब्रा को बोलते हैं वेक्टर एलजेब्रा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलस, मोशन इन वन डी, वेक्टर, टू डी, थ्री डी, ऐसे चलेगा सीक्वेंस, राइट। बहुत सारे लोग, कई बार आपने देखा होगा, बाकी टीच में जाते भी होंगे, बोलते होंगे हमारा वेक्टर चल रहा है, बहुत लोगों के, कोई वेक्टर कराता है, कोई यूनिट्स करवाता है, कोई कैलकुलस, जैसे मर्जी करवाता हो, लेकिन अब के बाद वो सीक्वेंस ऐसी फॉलो करेगा, मोशन इन वन डी, वेक्टर, टू डी, थ्री डी, राइट, हम भी ऐसी फॉलो करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन है, आपकी बॉडी या तो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही है, या वाई के अलॉन्ग मूव कर रही है, या जेड के अलॉन्ग मूव कर रही है, एक साथ उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मोशन इन वन डी है। अगर वो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही है, उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा बस, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 एंड सो ऑन। अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, उसका सिर्फ वाई एक्सिस ही चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड और एक्स में कोई फर्क नहीं होगा। और अगर वो जेड एक्सिस में मूव कर रही है, तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई चेंज नहीं होंगे। इसे बोलते हैं मोशन इन वन डी, पुट आउट इसमें। तो लेकिन अगर कोई बॉडी मान लो इस फर्श पे, फ्लोर पे मूव कर रही है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो जब कोई बॉडी इस फ्लोर पे मूव करेगी, उसके साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स कॉमा वाई, इसको बोलते हैं मोशन इन टू डी। और अगर कोई बॉडी हवा में उड़ रही है, कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, काइट उड़ रही है, वो हाइट भी अटेन कर रही है और वो इस प्लेन में मूव भी कर रही है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगी और हाइट भी, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो मोशन इन 3D हो जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। तो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ने, जैसे कैलकुलस मैथ्स की ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, ये डील करती है एक बॉडी में कंडीशंस ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ मटेरियल। किसी भी बॉडी को स्टडी करना, जब वो रेस्ट पे पड़ी हो या वो मोशन में पड़ी हो या मोशन में हो, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। जैसे एक बॉडी को मोशन लाने में कितनी फोर्स लगी, एक बॉडी की यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी होगी, उसने एक्सेलरेशन जनरेट की, तो फोर्स कितनी फोर्स लगाई ताकि वेलोसिटी यू से वी हो जाए, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहली ब्रांच है स्टैटिक। अगर किसी बॉडी को स्टडी किया जाए, अगर वो किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। जैसे प्लस टू का पहला चैप्टर है जिसमें चार्ज को स्टडी करवाया जाता है, टेंथ में करके आए हैं, एक चार्ज पड़ा हुआ है रेस्ट पे, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो बेसिकली आप चार्ज को स्टडी कर रहे हैं लाइंग एट रेस्ट, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना जब चार्ज किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को स्टडी करना। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स बॉडी को मोशन में स्टडी करना, जब बॉडी किस में है, इन मोशन, काइनेमेटिक्स। लेकिन मोशन में स्टडी करने का मतलब उसका यू निकालना, वी निकालना, ए निकालना, जैसे हम निकालते हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि उस वो वेलोसिटी यू से वी अगर कर रही है तो किसी ने फोर्स तो लगाई होगी, फोर्स को ना स्टडी करना, बस ये स्टडी करना कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, एक्सेलरेशन ए है, वी यू प्लस ए टी। कोई ये ना पूछे काइनेमेटिक्स में सर कितने न्यूटन की फोर्स लगी कि वेलोसिटी यू से वी हो जाए, तो फोर्स को ना स्टडी करना,
सिर्फ मोशन को स्टडी करना, काइनेमेटिक्स। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं अब इस चैप्टर में? काइनेमेटिक्स। हम काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मींस बॉडी को मोशन में स्टडी करना, लेकिन टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि फोर्स कितनी लगी थी उसको मोशन में प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि काइनेमेटिक्स को स्टडी करना करना साथ में फोर्स को भी एक्स्ट्रा स्टडी करना, वो मैकेनिक्स है। अब फिजिक्स ऐसे चलेगी, पहले स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D, फिर उसके ऊपर आ जाएगा डायनेमिक्स, फिर लगेगी फोर्सेस। 2-3 महीने के अंदर ये पूरी ब्रांचेस को खत्म करेंगे, पहले मोशन फिर फोर्स एंड मोशन इकट्ठा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ काइनेमेटिक्स, बस मोशन को स्टडी करेंगे, बस डायनेमिक्स बाद में देखेंगे। और वैसे ओवरऑल इन सभी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिक्स। हमने स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है वन डायमेंशन मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन ओनली अगर एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, तो मोशन इन 1D। इस मोशन को लीनियर मोशन भी बोला जाता है। तो अंडरलाइन कर लें, दिस मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन या लीनियर मोशन भी एक ही बात है, यानी कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है 2D मोशन। 2D मोशन में एक बॉडी मूव कर रही है, एट अ टाइम उसके कितने जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं? 2। तो 2D मोशन। 3D मोशन, कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ? 3। 3D मोशन। क्लियर है यहां तक? आप ये सोच रहे होंगे कि वो मेथड नहीं है, व्हाट इज मोशन इन 1D, राइट? आप डेफिनेशन लिख रहे हैं मोशन इन 1D, अ बॉडी सेड टू बी मोशन इन 1D इफ इट 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम। हाँ, बढ़िया, लाल पेन नीला पेन। अगर ये पढ़ना शुरू कर दिया, चाहे 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दें, गारंटेड फेल होंगे, एक नंबर भी नहीं आएगा। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आप कॉपी में लिखवाने वाला जो आने नहीं वाली, पर इसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप एक बार ब्रीफ तो करोगे ही, घर जाकर रिवाइज भी करोगे चीज़ें, तो इसलिए आपको बुकलेट की फॉर्म में सब कुछ देंगे, नोट्स मैं वो दूंगा। देखो, जो चीज़ आने वाली है वो है सिर्फ न्यूमेरिकल। आपको फिजिक्स में सिर्फ एप्लीकेशन आनी चाहिए, कि आपकी मोशन का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए आप उसके न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर पाएं, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप जितने मर्जी याद करते रहें थ्योरीज और डेरिवेशन, कुछ ना होगा। स्कूल में 23 नंबर जरूर आ जाएंगे 70 में से, इससे ऊपर नंबर भी नहीं आएंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आपको न्यूमेरिकल तबाके करने हैं, ठीक है? यहाँ तक कॉम्पिटिशन में सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, एक भी नंबर की थ्योरी नहीं आती। स्कूल लेवल के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा 70% पेपर एप्लीकेशन बेस्ड है, सिर्फ उतना ही पासिंग मार्क्स जितना देते हैं कि कोई फेल ना हो जाए, उतनी थ्योरी डाल देते हैं, और वो डेरिवेशन डालते हैं, ऐसी थ्योरी डेफिनेशन नहीं डालते। तो इसलिए मैं बता दूं, मेरा फॉर्मेट चेंज है, तो इसलिए मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है आपको मालूम है? आपकी बॉडी ए से बी से सी से डी पे गई, तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ कवर्ड बाय दी बॉडी इज डिस्टेंस। अगर मैं ऊबर में टैक्सी करूं और घूम के आऊं, तो ऊबर वाला कहेगा कि पैसे, तो किसके पैसे मांगेगा? डिस्टेंस के। तो मैं अगर उसको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, नहीं भाई डिस्प्लेसमेंट के पैसे दूंगा, वो मानेगा नहीं। वो कहेगा आप अपने घर से चले, घूम के घर पे आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। भाई मेरी तो गाड़ी का मीटर चला, गाड़ी का मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, वो क्या देता है? डिस्टेंस, लेंथ। चाहे राउंड अबाउट घूमते रहो पूरे पूरा दिन बैठ के, डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए से लेके डी तक सबसे छोटा रास्ता यही होगा, और कोई हो नहीं सकता। तो अगर आपको ए से डी पे जाना है तो इसी रास्ते को फॉलो करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और जिनमें डायरेक्शन मैटर करती हैं वो क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस स्केलर है। इसमें ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? AD। जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं जिनमें डायरेक्शन मैटर करती है, उनके सिर पे एरो लगा देते हैं हम, एरो स्टैंड फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो AD डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एक स्टेटमेंट है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो तो हो ही सकती है। जीरो कब होगी? जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ठीक है, या मूव ही नहीं किया। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुई ये देखो। सपोज करो ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, आपकी गाड़ी ए पे थी, ए पे ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वन। कुछ टाइम के बाद बॉडी बी पे आ गई, बी पे नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स टू, एक्स वन से एक्स टू। तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू कोऑर्डिनेट बढ़ा है एक्स वन से, तो यानी कि इनका डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये स्टेप समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स टू बढ़ा है एक्स वन से, इनका डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये पॉजिटिव है। अगर कोई बॉडी इसका मतलब ए से बी पे मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आपकी बॉडी ए से बी पे जा रही है, उल्टा, पहले वो इधर से इधर आ रही थी, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे थी, उसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वन, फाइनली वो यहाँ पे आ गई, नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स टू। अब जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट से छोटा है, पहले दूर था, अब ओरिजिन के पास आ गई बॉडी, मतलब बॉडी कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स ओरिजिन जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट जब माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट समझ में आ रही है, बॉडी ए से बी पे जा रही है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट बड़ा है, फाइनल छोटा है, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो नेगेटिव आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये थ्योरी आपको ये बताती है, अगर आपकी बॉडी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट छोटा हो जाएगा, इनिशियल बड़ा हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद याद रखेंगे, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाती हुई बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस उल्टी डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट होती है, बी पे जाती है, बी से घूम के वापस ए पे आती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि ए पॉइंट पे स्टार्ट होके वापस ए पे आने का मतलब है इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट का सेम हो जाना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस करके क्या आएगी, जीरो। ये ना फिजिक्स की लैंग्वेज है, देखो ये बात मैं आपको एक लाइन में समझा सकता था, कैसे, कि अगर गाड़ी पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव एक्स में आ रही है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल सी बात, बात खत्म हो जाती है। पर फिजिक्स वाले समझाते नहीं ना, अब किताब खोलेंगे तो ये डायग्राम बनेंगे, आप देख के कहोगे यार ये पता नहीं क्या, हमें तो करवाया नहीं कुछ भी, ग्रेटर देन लेस देन जीरो, साथ साथ लैंग्वेज भी बता रहा हूँ, लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। देखो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात स्पीड की करता हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, इसकी सिर्फ वैल्यू है, तो स्पीड भी स्केलर है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, सारे दो दो मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ इन टू सेकेंड, टू सेकेंड, टू सेकेंड, टू सेकेंड, तो मेरी स्पीड कभी भी चेक कर लो, टू बाई टू, टू बाई टू, टू बाई टू, टू बाई टू, यानी कि वन, तो मेरी स्पीड कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब आप हाईवे पे जाएं, गाड़ी का क्रूज ऑन कर दें, बस बटन दबा दिया और ऑटोमेटिक 60 किलोमीटर पर आर, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी ऐसे चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चलाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग रेस दबाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो कौन सी स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, दो मीटर दो सेकेंड में, दो मीटर एक सेकेंड में, दो मीटर चार सेकेंड में, उसकी मर्जी जैसे वो स्पीड दबाएगा, तो ये वेरिएबल स्पीड है। नेक्स्ट स्पीड है एवरेज स्पीड, ये तो कैलकुलस में किया हुआ है,
एवरेज स्पीड क्या होती है? पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन पूरी जर्नी का टोटल टाइम, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या था डी एक्स बाय डी टी। तो चार टाइप की स्पीड्स हो गई, ठीक। उसी तरीके से वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। वेलोसिटीज चार किस्म की हैं, फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि आपकी वेलोसिटी गाड़ी की चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स, वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और लास्ट क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर है तो इनके ऊपर एरो एरो भी ड्रॉ करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। लेकिन अगर गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज कर ली तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगी। सही है यहां तक? तो ऑब्जेक्टिव आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल टू भी हो सकती है पर ज्यादातर केस में लेस होती है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो ऑप्शंस क्या हैं? मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की रेशियो इज ऑलवेज लेस देन वन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस इसके नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू वन। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो या तो वन होगी, वन का मतलब दोनों बराबर हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन है मोशन की।